आंदोलक एसटी कर्मचाऱ्यांना आझाद मैदानातून हुसकावून लावल्यानंतर त्यांनी सीएसएमटी स्थानकामध्ये ठिय्या मांडला। त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत त्यांना तिथूनही बाहेर काढले। आरपीएफचे वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी अभिषेक मुठाळ यांनी। आपल्या सोबत जितेंद्र श्रीवास्तव आहेत जे आरपीएफचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत। सर काय सांगाल, जे एसटीचे कर्मचारी होते ते इथे होते, आता तुम्ही त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करता आहात, काय सांगना देते त्यांच्याकडे? हमने सवेरे जब वो लोग एकत्रित हुए तब से उनसे अनुरोध करना शुरू किया कि प्लेटफॉर्म परिसर सो जितने जल्दी हो सके खाली करें, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हमारा फुटफॉल बढ़ता है। सो काफ़ी लोग मान गए हैं, जिन्होंने टिकट लिया है लॉन्ग डिस्टेंस का उनको ट्रेनों में बैठा दिया जाएगा, और जो लोग प्लेटफॉर्म टिकट के साथ भी हैं उनको 2 घंटे के बाद अनुरोध करके बाहर भेजा जाएगा। दे आर एग्रीइंग टू इट। ऑलमोस्ट खाली हो गया है लगभग। कुछ लोगों के पास अभी भी प्लेटफॉर्म टिकट वैलिड है, तो ऐसे में वो टाइमिंग उनका होता है, 2 घंटे के बाद वो टिकट नहीं चल पाएगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे करके लोग यहाँ से डिस्पर्स हो गए हैं, और वी विल बी एबल टू डिस्पर्स देम। जो सर प्लेटफॉर्म के अतिरिक्त भी जो रेलवे टिकट्स थे उनके पास एक्सप्रेस के टिकट्स थे, तो ऐसे उनको हम लोग वेटिंग रूम में, रिटायरिंग रूम में, जहाँ पे भी प्रावधान है वहाँ बैठा के शाम को ट्रेनों से बैठा के भेज देंगे उनकी जो ट्रेनें आएंगी। थैंक यू। तो हे होते जितेंद्र श्रीवास्तव जे आरपीएफ से वरिष्ठ अधिकारी होते, त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे ज्यांच्याकडे वैलिड तिकीट आहे, जे एक्सप्रेसचं तिकीट आहे त्यांना वेटिंग ग्रुप असेल किंवा मग त्या प्लॅटफॉर्मवर आम्ही सोडतोय, आणि बाकीचे जे काही प्लॅटफॉर्मचे तिकीट्स होते ते देखील 2 तासानंतर वैलिड नसतात, त्यामुळे त्यांना देखील आता बाहेर काढण्याचा साठी देखील त्यांच्याकडनं रेल्वे प्रशासनाकडनं प्रयत्न होतात। कॅमेरामॅन अजय कुमार गुप्तासह अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।